बच्चों आज हम मैथ का एडिशन बाय काउंटिंग टुगेदर के बारे में पढ़ेंगे। हम दो ठो नंबर को कैसे एक साथ काउंट करके ऐड कर सकते हैं। देखो ये है ऐड का सिंबल, ऐसे हम ऐड का या प्लस का सिंबल देते हैं। देखो यहाँ पर कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3, 3 वर्ड्स हैं तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। ये यहाँ पर कितने वर्ड्स हैं, 1 2 वर्ड्स हैं तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। अब हम ये दोनों को एक साथ काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। तो 3 + 2 = 5, 3 के साथ 2 जोड़ने से हो गया 5। वैसे ही यहाँ पर कितने फ्रॉक्स है, 1 2 फ्रॉक्स है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। यहाँ पर भी कितने फ्रॉक्स है, 1 2 फ्रॉक्स है तो ये दोनों को फिर एक साथ काउंट करने से हो गया 1 2 3 4 फ्रॉक्स हो गया। तो अब हम यहाँ पर 4 लिखेंगे, 2 + 2 = 4। यहाँ पर कितने पपीज हैं, 1 2 3 4 तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। यहाँ पर कितने पपीज हैं, 1 2 3 पपीज हैं तो अब हम इन दोनों को एक साथ काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। देखो यहाँ पर हो गया 7 पपीज। तो 4 + 3 = 7, 4 के साथ 3 जोड़ने से हो गया 7। वैसे यहाँ पर कितने लोटस हैं, 1 2 3 तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। यहाँ पर कितने लोटस हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोटस हैं तो यहाँ हम 5 लिखेंगे। अभी हम ये दोनों लोटस को एक साथ टुगेदर काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब हो गया 8 लोटस, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 + 5 = 8, 3 और 5 को एक साथ जोड़ने से हो गया 8। वैसे ही हम 1 डिजिट नंबर का एडिशन कर सकते हैं।